हेलो डियर, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज सुनील कुमार राव फ्रॉम साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि इस समय हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम यूनिट सेकेंड। यूनिट सेकेंड क्या है? माइक्रो इनकैप्सुलेशन। व्हाट इज माइक्रो इनकैप्सुलेशन? माइक्रो इनकैप्सुलेशन क्या होता है? बी फार्मा 7 सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं हम लोग, लेक्चर नंबर सेकेंड चल रहा है। ठीक, तो आइए देखते हैं व्हाट इज माइक्रो इनकैप्सुलेशन। माइक्रो इनकैप्सुलेशन है क्या? तो व्हाट इज माइक्रो इनकैप्सुलेशन, तो सबसे नंबर एक पे जानते हैं व्हाट इज इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन मतलब होता है ड्रग पार्टिकल फिल इन द कंटेनर, दैट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। जैसे कोई भी ड्रग पार्टिकल होता है तो हम कैप्सूल के अंदर फिट करते हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। अब कोई भी ड्रग पार्टिकल जब हम माइक्रो लेवल पे फिल करते हैं, दैट इज कॉल्ड माइक्रो इनकैप्सुलेशन। माइक्रो इनकैप्सुलेशन समझ में आ गया? इसको हम लेक्चर नंबर फर्स्ट में एकदम अच्छे से डिफाइन किए हैं, जाके आप लेक्चर नंबर फर्स्ट पहले देखिए। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे कि माइक्रो इनकैप्सुलेशन इज आल्सो कॉल्ड। माइक्रो इनकैप्सुलेशन को और हम किस किस नाम से जानते हैं, आइए देखते हैं। कह रहे कि माइक्रो इनकैप्सुलेशन को हम माइक्रो पार्टिकल्स भी कहते हैं, माइक्रो कैप्सूल भी कहते हैं, माइक्रोस्फीयर भी कहते हैं, कोटेड ग्रेन्यूल्स कहते हैं, और क्या कहते हैं, पिलेट्स कहते हैं। पिलेट्स मतलब क्या होता है? जो होम्योपैथिक की जो छोटी छोटी गोली आती है व्हाइट वाली, उसको हम क्या बोलते हैं, पिलेट्स बोलते हैं। ठीक, या फिर जो हमारे कैप्सूल में छोटी छोटी गोली भरी जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, पिलेट्स बोलते हैं। माइक्रो इनकैप्सुलेशन में होता क्या है, हम पहले लेक्चर में बता दिए कि माइक्रो इनकैप्सुलेशन में कुछ नहीं होता, एक होता है कोर मटेरियल, दूसरा होता है कोटिंग मटेरियल। कोर मटेरियल मतलब हमारा जो ड्रग होता है, और कोटिंग मटेरियल कहता है हमारा पॉलीमर होता है। जब हम ड्रग पे पॉलीमर की कोटिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड माइक्रो इनकैप्सुलेशन। ऐसे में इसी को हम माइक्रो इनकैप्सुलेशन कहते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या है। नेक्स्ट स्लाइड क्या करें कि फार्मुलेशन या फिर कंसिडरेशन ऑफ माइक्रो इनकैप्सुलेशन। माइक्रो इनकैप्सुलेशन का हम फार्मुलेशन कैसे करते हैं, माइक्रो इनकैप्सुलेशन का फार्मुलेशन कैसे करते हैं, आइए देखते हैं उसको। कर द फॉर द फार्मुलेशन ऑफ माइक्रो इनकैप्सुलेशन टू मटेरियल इज रिक्वायर्ड। जैसा कि हम पहले बोल दें कि माइक्रो इनकैप्सुलेशन के लिए दो मटेरियल जरूरत होती है, एक होता है कोर मटेरियल, दूसरा क्या होता है, कोटिंग मटेरियल। कोर मटेरियल क्या को क्या कहते हैं, कोर मटेरियल दैट इज कॉल्ड ड्रग पार्टिकल। कोर मटेरियल को हम क्या कहते हैं, ड्रग पार्टिकल कहते हैं, और कोटिंग मटेरियल को क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। जैसा कि आप इधर फोटो में देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, नीला वाला जो है ड्रग पार्टिकल, जिसको हम कोर मटेरियल कहते हैं, और जो ये वाला कौन सा कलर है, ऑरेंज कलर है, इसको हम क्या बोलते हैं, इनर्ट पॉलीमर या फिर कोटिंग मटेरियल बोलते हैं। ठीक, इन दोनों से मिलकर हमारा क्या बनता है, माइक्रो इनकैप्सुलेशन। इधर फोटो में साफ साफ दिख रहा है। ओके, आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है स्लाइड? अब हमको पता करने व्हाट इज कोर मटेरियल और कोटिंग मटेरियल। तो सबसे नंबर एक पे देखें कोर मटेरियल क्या होता है। कह रहा कि कोर मटेरियल इज द मेन ड्रग। कोर मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, मेन ड्रग बोलते हैं, और दैट प्रोड्यूस द फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स इन आवर बॉडी। कोर मटेरियल क्या होता है, मेन ड्रग होता है, जो हमारी बॉडी में फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। और कोर मटेरियल इज एपीआई मेन ड्रग एंड एक्सिपिएंट। कोर मटेरियल देखिए, जैसे हम क्या होता है कि कैप्सूल में जब ड्रग फिल करते हैं तो हमको दो चीज़ चाहिए, एपीआई प्लस एक्सिपिएंट। मतलब दवा अगर अच्छे से बना है तभी तो हम उसमें भरेंगे, कैप्सूल में भरेंगे ना, तो उसमें हमारा एपीआई और एक्सिपिएंट दोनों आपस में अच्छे से मिक्स होगा, तभी तो हम किसी ड्रग पर मतलब किसी कंटेनर में भर के किसी को देंगे, जिससे कि उसको लेने में आसानी होगी, कड़वा नहीं लगेगा खाने में। तो इसलिए कोर मटेरियल को हम दोनों चीज़ बोलते हैं, एपीआई भी बोलते हैं, एक्सिपिएंट भी बोलते हैं, दोनों का मिक्सचर होता है, मतलब कंप्लीट ड्रग होता है। जब इसको हम किसी कैप्सूल में भर देते हैं तो एक डोजेज फॉर्म में बन जाता है। ठीक, उसी को हम माइक्रो इनकैप्सुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट वन कह रहा था कि एक्सिपिएंट, एक्सिपिएंट क्या होता है, एक्सिपिएंट को हम बोलते हैं कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, बाइंडिंग एजेंट, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव। ये सब हमारा किसका काम करता है, एक्सिपिएंट का। एपीआई हमारा क्या होता है, मेन ड्रग होता है। ओके, आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या होता है। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या करा कि
कोर मटेरियल इज मेड अप ऑफ एपीआई, एडिटिव और स्टेबलाइजर। एपीआई क्या होता है? मेन ड्रग होता है। एडिटिव क्या होता है? डाइल्यूएंट होता है, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, बाइंडिंग एजेंट, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, वही होता है। ठीक। और नेक्स्ट चीज का है स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर क्या होता है? स्टेबलाइजर मतलब प्रिजर्वेटिव। अब देखिए वही चीज़ तो हम बोले थे इसके पहले वाले बोले थे कि जो कोर मटेरियल होता है उसमें दो चीज़ होता है, एक होता है एपीआई, दूसरा एक्सीपिएंट। एक्सीपिएंट में आपका दोनों आ जाएगा, एडिटिव भी आ जाएगा, स्टेबलाइजर हो जाएगा, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, बाइंडिंग एजेंट, डिसइंटीग्रेटिंग, प्रिजर्वेटिव, यही सब है ना। ये आपका मतलब क्या है, ये वाला इधर क्या दिख रहा है, ये आपका कोर मटेरियल है, इधर क्या है, ये वाला कोटिंग मटेरियल है। आया समझ में? ओके, आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब इधर देखिए क्या है, कोटिंग मटेरियल क्या होता है। अब हमको पढ़ना है कोटिंग मटेरियल, कोर मटेरियल तो पढ़ ली। कोटिंग मटेरियल क्या होता है? कह रहा कि कोटिंग मटेरियल इज ए पॉलीम इज पॉलीमर दैट प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम द एनवायरनमेंट। ये जो कवर दिख रहा है आपको ना, इसी को हम कोटिंग मटेरियल कहते हैं, जिसमें ड्रग हमारा बंद होता है, फिल होता है। और ये किस चीज़ का बनाता है? जिलेटिन का बनाता है। मतलब जो कोटिंग मटेरियल है जिलेटिन का बनाता है, जिस जो एक प्रकार का क्या है, पॉलीमर होता है। और हम इसलिए भरते हैं कि जिससे कि ड्रग हमारा खराब ना हो बाहरी वातावरण से। ओके, एक कैप्सूल आपका दिख रहा है। नेक्स्ट स्लाइड क्या है? करेक्ट कि कोटिंग मटेरियल शुड बी, हाँ, जो कोटिंग मटेरियल है ये पॉलीमर का जो बना होता है कोटिंग मटेरियल, एक कैसा होना चाहिए? कंपेटेबल विथ ड्रग, मतलब ऐसा होना चाहिए कि ड्रग से रिएक्शन ना करने पाए। ठीक। शुड बी इनर्ट, शुड बी इनर्ट मतलब नॉट रिएक्ट विथ ड्रग। और क्या हैव डिजायरेबल प्रॉपर्टी, और हाँ, इसमें क्या होनी चाहिए, जो पॉलीमर है, जो कोटिंग मटेरियल है, इसमें हमको ऐसे पॉलीमर का सिलेक्शन करना था जिसमें डिजायरेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, वाटर सॉल्विबल होना चाहिए। पता लगे हम मुंह में तो खा लिए, मुंह से पेट में चला गया, पेट में जाने के बाद डिजॉल्व नहीं हो रहा, पता नहीं कैसा पॉलीमर सेलेक्ट कर लिए हैं। तो ये मतलब डिजायरेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक ना, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी का पॉलीमर होना चाहिए, सीधे सीधे समझो। नेक्स्ट स्लाइड क्या है? कंपोजिशन ऑफ कोटिंग मटेरियल, कोटिंग मटेरियल का कंपोजिशन ऑफ कोटिंग मटेरियल, जो कोटिंग मटेरियल है तो उसमें क्या क्या मिला होता है वो सब देखना। कह रहा कि इनर्ट पॉलीमर होना चाहिए पहली बात, तो मतलब ड्रग का खराब ना हो, हमको ऐसे पॉलीमर का सिलेक्शन करना है जिससे कि हमारा ड्रग खराब ना हो, तो उसको हम बोलते हैं इनर्ट पॉलीमर सेलेक्ट करना पड़ता है। और क्या होना चाहिए, जो पॉलीमर है वो प्लास्टिसाइजर की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, प्लास्टिसाइजर मतलब पॉलीमर को जो हार्ड बनाता हो ऐसा पॉलीमर होना चाहिए। और कलरिंग एजेंट, हमको ऐसा पॉलीमर सेलेक्ट करना है जिसमें कि हम अलग अलग कलर चाहे तो अलग अलग कलर का पॉलीमर हमको मिल जाए, जिससे कि हम अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस बना सकें। और क्या जाने, रेजिन वैक्स, रेजिन वैक्स मतलब क्या होता है कि स्मूथ प्रोवाइड कराता है, जो रेजिन वैक्स टाइप का रहेगा पॉलीमर ना, वो क्या प्रोवाइड करता है, स्मूथनेस प्रोवाइड कराता है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इंक्रीज द रेट ऑफ ड्रग रिलीज, और हमको एक ऐसे पॉलीमर का सिलेक्शन करना है जो ड्रग की रेट ऑफ रिलीज प्रॉपर्टी बढ़ा दे। ओके, ये देखिए, ये कोटिंग मटेरियल, कोर मटेरियल, एक कोर मटेरियल, कोटिंग मटेरियल कोटिंग किया गया था, माइक्रो इनकैप्सुलेशन बन गया है। नेक्स्ट पॉइंट करके प्रॉपर्टीज ऑफ कोटिंग मटेरियल, क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए कोटिंग मटेरियल की, करें कि कोटिंग मटेरियल शुड बी स्टेबल। ठीक। दूसरा पॉइंट करें कि पॉलीमर शुड बी इनर्ट, यहाँ पे एक काट देना टी, शुड बी इनर्ट टूवर्ड्स एपीआई, एपीआई की प्रति क्या होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट करें कि कंट्रोल रिलीज अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर मतलब कंट्रोल रिलीज मतलब आराम आराम से रिलीज हो, लंबे समय तक रिलीज हो, दैट इज कॉल्ड नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो हम उसी में पढ़ रहे हैं, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है ना। नेक्स्ट पॉइंट करें नॉन हाइग्रोस्कोपिक कोटिंग मटेरियल, हमको जो पॉलीमर है ना कैसा सेलेक्ट करना है, नॉन हाइग्रोस्कोपिक मतलब ऐसा नहीं कि हवा में आया तुरंत गलने लगता, जैसे कैप्सूल होता है ना, कैप्सूल अगर हवा के कंटेक्ट में आता है तो तुरंत क्या होता है, गलने लगता है। तो नॉन हाइग्रोस्कोपिक होना चाहिए, नहीं तो मतलब एयर के कंटेक्ट में गलने लगे ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या इन एक्सपेंसिव मतलब यहाँ पे लिखना है एक्सपेंसिव मतलब ज़्यादा महंगा ना हो, और वाटर सॉल्युबल होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए हमारा कैप्सूल, वाटर सॉल्युबल जो पॉलीमर है मतलब वाटर सॉल्युबल होना चाहिए और ज़्यादा महंगा ना हो। ठीक, ये सब इसकी प्रॉपर्टी है। थैंक यू। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक, वीडियो को लाइक करिए, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।